आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में हमने देखा कि एमडी का बड़ा बयान आते हुए दिखा था कि $1 बिलियन अराउंड 7500 करोड़ फंड रेज करने की बात हो रही है। और उससे पहले हमने एक बड़ा न्यूज भी इस स्टॉक में आते हुए दिखा है, वो ARC का न्यूज है। JC फ्लावर्स को एज ए ARC अपॉइंट किया गया है, और जिसमें कि लगभग 51,000 करोड़ का जो बैड लोन है उसको डिस्ट्रेस किया जाएगा, ऑफलोड किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि कालिल ग्रुप के द्वारा जो 10% का एक्विजिशन है उसका न्यूज भी कभी भी आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल ये बैंक इस समय देखेंगे तो 13.80 रुपया के आसपास के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। एक माइनर रेजिस्टेंस 15 के आसपास का है, 15 के ऊपर के क्लोजिंग पे श्योरली इस स्टॉक में एक शार्प अपट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो पोजीशन बनाए रखें, अगर नहीं है तो श्योरली इस स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं। इजिली इस स्टॉक में 25-30 तक के लेवल मैक्सिमम विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में दिख सकता है। जिस प्रकार का ट्रेंडिंग न्यूज इस स्टॉक में ट्रेंड हो रहा है, श्योरली ये बैंक आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में पेनफुल हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन 15 से लेकर के 13 के बीच में ये दिख सकता है, लेकिन 15 के ऊपर के क्लोजिंग पे वन साइडेड अपट्रेंड इस स्टॉक में श्योरली देखने को मिलने वाला है।